हादसे में हिस्सा। दिल्ली हाईवे पर सैनीपुरा गांव के फ्लाईओवर के नीचे स्कॉर्पियो गाड़ी पर कुछ युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिस दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार युवकों ने अनाज मंडी चौक में जाकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार दलजीत सिहाग अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर निजी कार्य के लिए भिवानी के प्रेम नगर जा रहे थे। इसी दौरान सैनीपुरा पुल के पास दो गाड़ियों में सवार 8 से 10 युवकों ने दलजीत सिहाग की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। आरोपियों ने दलजीत सिहाग की गाड़ी पर करीब 12 राउंड फायर किए। हमले में दलजीत सिहाग, दीपक, अमित बूरा, राकेश और दीपक घायल हुए हैं। घायलों को हांसी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उनकी हालत को देखते हुए हिसार रेफर कर दिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। भाई हमने गांव सिसाई से चले थे, स्कॉर्पियो ब्लैक गाड़ी थी हमारे पास में। हमने गांव प्रेमनगर में जाना था, भिवानी में है। तो हम जैसे सैनीपुरा से हाईवे पे चढ़ने लगे, मोड़ पे एक गाड़ी आगे अड़ा के क्रीम कलर की थी, उसमें से 4-5 लड़के नीचे उतरे, गाड़ी पीछे थी, आगे पीछे गाड़ी अड़ा के अंधाधुंध फायरिंग हुई है। मैं गाड़ी चलाऊँ था, ड्राइविंग सीट पर था और साइड वाली सीट पर दलजीत भाई साहब थे, पीछे थे हमारे लड़के 4-5 और 5 लड़कों को गोलियाँ लगी हुई। तो कितने लोग थे? तकरीबन 10-12 या 13 आदमी हो गए। दो गाड़ियों में थे, एक गाड़ी आगे थी एक पीछे थी, चारों तरफ से गोलियाँ चली और गाड़ी में टायर में भी गोली मारी। क्या लग रहा है, कौन थे गुजर जी? फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। ये 5:30 बजे की घटना है। हमारे अनाज मंडी चौकी के क्षेत्र में एक गाड़ी पे फायरिंग हुई है। मौके से 15-20 खोल मिले हैं और दलजीत सिसाई गांव का रहने वाला है, जो रेसिडेंट है, वो हमारा मेन विक्टिम है। इसके साथ 4 बंदे और बताए जा रहे हैं। अभी सभी का इलाज चल रहा है, एक थोड़ा सीरियस है, बाकी सब आउट ऑफ डेंजर है। क्या मामला है, किस वजह से फायरिंग? अभी तो इन्वेस्टिगेशन चालू है, बस शुरुआती उसमें ये पता चल रहा है कि ये आपस की कोई राय बन रही है, उसकी वजह से फायरिंग हुई है। मैम, इनमें से कई आरोपी भी हैं मर्डर के? जी हाँ, दलजीत सिसाई जो मेन विक्टिम है हमारा, उसके ऊपर पहले चार्जेस हैं, बाकी आगे की पूछताछ में बाकी उनके बारे में भी कंफर्म किया जाएगा। कितनी गोलियां? जानकारी के लिए आपको बता दें कि दलजीत सिहाग 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हत्या के मामले में सजा याफ्ता है और कुछ समय पहले ही वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था। हांसी से अमित वर्मा, सत्य खबर। सत्य सटीक बेबाक।